أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. स्टेज पे तशरीफ फरमा सदर तहरीर डॉक्टर खान खान साहब, मजीदुल्ला खान फरक तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक, अजमलुद्दीन फारूकी साहब, राशिद हाशमी साहब निजामबाद से तशरीफ लाए हुए, साजिद साहब, शकील साहब सीनियर बुजुर्ग कायद अलहाज, सैयद ताहिर साहब, नौजवान साथियों, आज का जो इजलास मुनक़िद किया गया है कारकुनान का इजलास, क्योंकि हाल ही में 2 फरवरी के दिन जो बल्दी इंतखाबात हुए, उस बल्दी इंतखाबात के नतायज आने के बाद से आज न सिर्फ मजलिस बचाओ तहरीक चंचलगुड़ा या आज़मपुरा अकबरबाग बल्कि हैदराबाद तमाम अजलाओं में, तेलंगाना के तमाम अजलाओं में, आंध्रा के तमाम अजलाओं में, बिलखसूस जो लोग हैदराबाद या तेलंगाना के जो लोग बाहर हैं यानी अमेरिका, सऊदी अरब, कुवैत, दम्मान मुख्तलिफ मुकामात पर एक किस्म की गम की लहर दौड़ी हुई है कि ये कैसे हुआ कि अमजदुल्ला खान इंतखाबात हार गए। लेकिन मुसलसल टेलीफोनों का सिलसिला जारी है, सोशल मीडिया में मैसेजेस, मैं समझता हूँ कि कई इंतखाबात आए और कई इंतखाबात गए हिंदुस्तान की तारीख में, कई बड़े बड़े लीडर्स इंतखाबात जीते और कई बड़े बड़े लीडर्स इंतखाबात हारे। इतनी फिक्र से मैसेजेस या टेलीफोन कॉल्स किसी को नहीं आए होंगे। ये मैं तमाम लोगों का शुक्र अदा करता हूँ कि इंतखाबात हारने के बाद में भी आपके दिल में आज भी मेरी जगह है। इंतखाबात का हारना, इंतखाबात का जीतना तहरीक के लिए कोई नई बात नहीं है और कोई मकसद नहीं। तहरीक का एक मिशन है, तहरीक का एक मकसद है जो गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान ने एक प्रिंसिपल्स बनाकर तहरीक को कायम किया था। मैं इंतखाबात में भी ये बात अक्सर कहता था कि मैं कारपोरेटर रहूं या न रहूं, आपके दरमियान रहूँगा, अवाम के दरमियान रहूँगा, और आज भी मेरा ये फैसला है, ये मेरी हिम्मत है, ये मेरा हौसला है कि जिस तरीके से गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान MLA थे तो उनके साय में मैं काम करता था, उनके साय में मैं काम किया करता था। मरहूम सदर के गुजरने के बाद में एक कारपोरेटर की हैसियत से आपके दरमियान में था। 10 साल जिस हिम्मत से मैंने काम किया, इंशाअल्लाह अजीज अगर आपका साथ रहेगा, आपकी दुआएं मेरे साथ रहेंगी, तो मैं समझता हूं कि इस रियासत की पुलिस को, इस रियासत की जो क़यादत है मजलिस-ए-इत्तेहाद-ए-मुस्लिमीन को, ये गलतफहमी दूर हो जाएगी कि अमजदुल्ला खान कारपोरेटर रहो या ना रहो, उस मजलूम के लिए लड़ते रहेगा, लड़ते रहेगा। मेरे इन खानों पर जिम्मेदारी और बढ़ गई है मैं इंतखाबात हारने के बाद में। अगर मैं आपके दरमियान नहीं रहूंगा, अगर मैं आपके दरमियान नहीं रहूंगा तो लोग ये कहेंगे कि कारपोरेटर के बैसाखी पर अमजदुल्ला खान काम करता,
मैं तो उन मजलूमों के लिए काम करता हूं और उन बुजुर्गों ने दीन के सदके में उन तहरीक के बुजुर्गों की दुआओं में मैं काम करता हूं। तो ये बात वाजे हो गई कि अमजदुल्लाह खान कारपोरेटर रहे या नहीं रहे, अमजदुल्लाह खान उस मजलूम के लिए बराबर आवाज उठाते रहे। अल्लाह ताला शायद अल्लाह का फैसला है, मैं तहलील से उस फैसले को मैंने कबूल किया। जब काउंटिंग के बाहर काउंटिंग में जैसे ही काउंटिंग चल रही थी, मुझको हराने की साजिश ये एक या दो दिन में नहीं की गई बल्कि मुसलसल दो साल से साजिश पे साजिश, साजिश पे साजिश, साजिश पे साजिश की जा रही थी। मैं बार बार ये बात कहता रहा कि 2014 में नवंबर में मेरा टर्म मुकम्मल हुआ, लेकिन साजिश 2014 जनवरी से शुरू हो गई कि किस तरह इसकी आवाज़ को दबा दिया जाए, इस आवाज़ को बंद कर दिया जाए। क्योंकि मैं वो शख्स नहीं था कि इंतखाबात जीतने के बाद में घर में बैठ जाऊं, मैं वो मेरी वो तालीमात उस बात की इजाज़त नहीं देती। मेरे माँ बाप ने मुझको जो तालीमात दिया कि कोई अगर मजलूम मुझे फ़ोन किया या कोई मजलूम मेरे दरवाजे पर आधी रात को खटका मारा, तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं अपनी नींद को गवारा किया, बल्कि मैं उस मजलूम की मदद के लिए मैं रात की तारीखों में मैंने किया। यकीनन दुख तो सबको होता है। 10 साल मैंने बहुत दयानतदारी से काम करने के बाद भी मेरे साथ ये साजिश की गई, लेकिन वो दिन दूर नहीं कि मेरा जो गम है आज के इजलास के बाद में ये दूर हो गया। आज की मौजूदगी इस बात का एहसास है कि अमजदुल्लाह खान कल भी हक में था, आज भी अमजदुल्लाह खान हक है। यकीनन मेरे साथ जो इंतखाबात में हुआ, अगर कोई स्टोरी लिखने वाला मिलेगा, मैं अपनी दास्तान सुनाऊंगा तो फिल्म बहुत हिट हो जाएगी कि किस खदर क्या क्या साजिशें की गई। सबसे पहले तो मेरे हलफे को, मैं जब 2002 में जहां से कारपोरेटर बना था उसका नाम तब्दील किए, उस हलफे को रिजर्व किए, फिर मैं नए हलफे से इंतखाबात लड़ा, तो ये सोचे कि ये हलफे से ने बार बार इलेक्शन जीत रहा है, चंचलगुड़े के 8,000 से ज्यादा वोट निकालकर छौनी नादेली बैग में डाले, आजमपुरा हलफे को ले जाकर डबीरपुरे में और काला डेरे में होल मलकपेट में जम किए। ये सोच रहे थे कि यहाँ से अगर इंतखाबात लड़ेगा तो ये नहीं जीत सकेगा। फिर उसके बाद में उसको लेडीज रिजर्व की। अगर दुश्मन में हिम्मत होती, मुझको हराने की अगर दुश्मन में हिम्मत होती तो आजमपुरे को खुला रखकर बतलाना था कि तुम्हारे उम्मीदवार की मैं जमानत जब्त करा के बताऊं। इसको खवातीन का हलका बना लिए। खवातीन का हलका बनने के बाद में वोटर्स में इंटरेस्ट नहीं रहता है वुमन के। और आजमपुरे का दो अलग हिस्सों में मैं तफसील बयान करूंगा। अकबरबाद की दास्तान अलग है, आजमपुरे की दास्तान अलग है। आजमपुरे में जो इलेक्शन मैं हारा या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो इलेक्शन जीता, इसका सहरा मैं हमारे डीसीपी साउथ जोन सत्यनारायण साहब और इंस्पेक्टर डबीरपुरे को देता हूँ कि किस कदर ये लोग मुझे परेशान किए। पोलिंग के दिन तहरीक के कारकुनों को, डीसीपी सत्यनारायण साहब को मैं बड़ा ईमानदार दयानतदार ऑफिसर समझता था, लेकिन पोलिंग के दिन उनका जो रवैया था कि एक मजलिस के एजेंट की हैसियत से काम कर रहे थे, मजलिस के एजेंट की हैसियत। 4 दिन पहले कुछ रिपोर्टरों ने उनसे मुलाकात की तो डीसीपी सत्यनारायण साहब खुले अखबार में ये कहे कि कुछ भी हो जाओ मैं अमजदुल्लाह खान को आजमपुरे से जीतने नहीं। डीसीपी साहब आपके भी मासूम बच्चे हैं, आपकी भी खानदान है। मैं जितने मजलूमों को मदद करता था या मैं अगर कारपोरेटर नहीं होते हुए किसी मजलूम की मदद नहीं करूंगा,
तो उसकी हाय तुम्हारे खानदान को भी लगेगी जरूर। आज देखिए अल्लाह ताला उस डीसीपी साउथ जोन को कितना जलील किया। देखिए कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ने उनको पुराना पुल पे एक दिन की ड्यूटी करने से हटवा दिया। एक आईपीएस ऑफिसर के लिए इससे जलालत की और कोई हो ही नहीं सकता। अगर मैं डीसीपी साउथ जोन रहता, अगर मुझको स्टेट इलेक्शन कमीशन एक दिन के लिए उस ड्यूटी से हटवा देता कि तुम एक दिन के लिए डीसीपी साउथ जोन नहीं, और मेरे ऊपर कोई दूसरे ऑफिसर को डालता, मेरी ईमानदारी दयानतदारी पे अगर स्टेट इलेक्शन कमीशन शक करता तो मैं बहसियत डीसीपी साउथ जोन इस्तीफा दे देता या लीव लगाकर मैं चले जाता। लेकिन मैं वो बेगरता हूं कि मैं सीट पे बैठा हुआ हूं, मैं सीट को चिपका हुआ हूं। मैं ये सूदखोरों के खिलाफ में कुछ मुहिम चल रही थी, बाद में मुझे समझ में आया कि ये सूदखोरों की मुहिम सिर्फ मजलिस को मजबूत करने के लिए थी। जो सूदखोर मजलिस का काम नहीं कर रहे थे उनको पुलिस परेशान कर रही, जो सूदखोर मजलिस को फाइनेंस नहीं कर रहे थे, जो लैंड ग्रैबर्स मजलिस को फाइनेंस नहीं कर रहे थे, ये खुला मेरे पास हर चीज का सबूत है। और हमारे इंस्पेक्टर डबीरपुरा बेचारे मट्टाया साहब बात तो बहुत अच्छी करते थे हमेशा, लेकिन उनका जो रवैया था इलेक्शन से एक दिन पहले डबीरपुरा पोलिंग स्टेशन में 18 पोलिंग स्टेशन जो है वो डबीरपुरे में आ, इलेक्शन से एक दिन पहले बेचारे चंचलगुड़े में कर्फ्यू का मंजर कर दिए पूरा, कोई शाम में 7 बजे यहाँ पर कोई मेरे मोहल्ले वाले है तो इस बात की गवाही देंगे। कौन से सागरता कारपोरेटर का साला लाके तुम्हारे को 10 लाख रुपए दिया पूरा मान, कौन से एसआईओ को 5-5 लाख रुपए, खाली डबीरपुरा पुलिस स्टेशन में 50 लाख रुपए बांटे गए मेरे भाई, 50 लाख रुपए। ये मेरे पास हर चीज का सबूत है, वक्त आने पर बतलाऊंगा। मैं कोई कच्चे गोलियां खेलने वाला नहीं हूँ, एक कारपोरेटर रहो याद रहो, लेकिन ये ऑफिसरों को नंगा करके रहूंगा आवाम के साथ। आज का टाइम्स ऑफ इंडिया इस बात की गवाही है, मेरी इस बात की गवाही है। आज जाकर टाइम्स ऑफ इंडिया निकाल कर देखिए कि टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बड़ा कालम आया है डीसीपी साउथ जोन के खिलाफ, एक बड़ा कालम आया कि ये डीसीपी साउथ जोन किस तरीके से क्या क्या किया, कि रॉस को क्यों गिरफ्तार किए। 9 बजे से लेके 11 बजे तक डीसीपी साउथ जोन चंचलगुड़े में, डीसीपी साउथ जोन को तकरीबन 35 म्युनिसिपल डिवीजन आते, लेकिन 34 में नजर नहीं, सिर्फ अमजदुल्ला खान हायर एनकाउंटर के खिलाफ में इसने पुलिस को नंगा किया। हम पुलिस वालों के खिलाफ में बोलते रहना, ये निजामबाद में एक इंस्पेक्टर को मैं सस्पेंड कराया था शेख हैदर के केस में, वो इंस्पेक्टर आके यहाँ पर डबीरपुरे पे बैठा हुआ है, हमारे गोदरे के पुलिस चोर मौसेरे भाई, मुझको सस्पेंड कराया, तू इसको हरा इलेक्शन, वो इंस्पेक्टर वहां से आके यहाँ डबीरपुरे में बैठ के मत्ताया को बोल रहा है 10 लाख रुपए दिए गए मत्ताया को। ये मेरे पास सबूत है, कौन से सारे कारपोरेटर के साले लेके आके 10 लाख रुपए तुमको दिए। तुम समझ रहे होंगे कि आंख पूछ के बिल्ली दूध भी तो कोई नहीं देखता जनाब, हर चीज का सबूत है। और अमजदुल्ला खान तुम्हारी खबर तक पीछा करेगा यार, तुम चाहे हिंदुस्तान में कहीं भी तुम्हारी पोस्टिंग होने दो, ये दो ऑफिसरों को तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। जा मैं भी अमानुल्लाह खान की औलाद हूँ, मैं भी अमानुल्लाह खान के हाथ पे रह के सब चीजें सीखा हूँ। इलेक्शन की हार जीत तो ये बिल्कुल एक आरजी है मेरे लिए। 9 बजे डीसीपी साउथ जोन मेरे एरिया में आते हैं। सुनिए आप, मेरे घर के सामने 4 पोलिंग बूथ है रहमतिया हाई स्कूल में, क्या बतलाओ कोई आईपीएस ऑफिसर लेडीज पोलिंग बूथ पे जाके आइडेंटिटी कार्ड चेक करता क्या? आज की तारीख तक हिंदुस्तान में कश्मीर में भी इलेक्शन हुआ, कश्मीर में भी फौज को रख के इलेक्शन करे, लेडीज खवातीन की लाइन में जाके हमारे डीसीपी साउथ जोन साहब आइडेंटिटी कार्ड चेक कर रहे हैं औरतों, वाह डीसीपी साहब वाह। और इंस्पेक्टर का क्या रोल है, मैं अपना जाती वोट डालने के लिए आजमपुरे में आया, 4 गाड़ी पुलिस घेर ली के आप अकबरबाग के कैंडिडेट है आजमपुरे में कैसा आ रहे हैं, तो मैं बोला कि क्या मैं अपना जाती वोट भी डालने मत आऊं। और एक तरफ रात में 8 बजे पूरे चंचलगुड़े को बंद करवा दिए, कर्फ्यू का मंजर, 4 पुलिस गाड़ी घूम रही कुई पूरे मोहल्ले में कर्फ्यू का मंजर, दुकान को बंद, अंजुमने महलविया में शादी चल रही मेरे भाई, शादी की
की गेट को बंद करवा दिया जाके ये इंस्पेक्टर आपको दीजिए। बोला कि नहीं शादी जल्दी खत्म कर दो, 10 बजे सेक्शन 144 लग गया है, इसके साथ जो सभी इंस्पेक्टर है नाम याद नहीं आ रहा हूँ उनका, और एक का नाम, एक का नाम भास्कर रेड्डी और एक का नाम रवि, ये तीनों जाके वहां शादी बंद करा दिए। क्या जुर्म है देख लिया। अरे मेरा कसूर यही था कि मैंने उस मजदूरों की मदद की, मेरा कसूर यही था कि मैं 10 साल तक बल्दी बल्दी आमरासानी मसाइल को हल किया, मेरा कसूर यही था कि तुम जैसे करप्ट पुलिस ऑफिसरों के खिलाफ मैं आवाज उठाता रहा, यही कसूर था ना मेरा। ठीक है तुम्हारा वक्त था, तुम खेल लिया, मेरा 5 साल वक्त है, मैं खेल खेलूंगा, मैं भी खेल खेलूंगा। रात में पूरा एरिया बंद, अकबर टावर से नीचे उतर के देखो आप, आजमपुरे में जाके देखो पूरा जगह है खुला, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के घर पे एक 200 आदमी बैठे हुए, मजलिस का दफ्तर है वहां पर, मुखानी एमएलए 500 आदमी को लेके बैठे हुए है, लेकिन वहां कानून नहीं। सिर्फ कानून कहां पर था, डबीरपुरे के 24 पोलिंग बूथ जो डबीर नाम आजमपुरे के जो पोलिंग स्टेशन थे 18 पोलिंग स्टेशनों में कानून चल रहा था। और मुझको अंदाजा था कि पुलिस तो हमारी दोस्त हो नहीं सकती, मैं कोई पुलिस का मकबर नहीं, मैं कोई पुलिस से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। एमआईएम के लीडरों को ऐसा आवाम में गालियां देना, अंदर बंद कमरों में साफ साफ कहने का तो आदि नहीं था मैं, मेरे पास कोई हराम की दौलत नहीं, मैं कोई सूदखोर नहीं था, मेरा बाप कोई सूदखोर नहीं था कि मैं इनको या इनके बीवी बच्चों को खरीद सकता था मैं। रात का ये मंजर, दूसरे दिन सुबह में रहमतिया स्कूल पे 150 पुलिस वालों के साथ डीसीपी साउथन कैंप किए हुए बैठे हुए वहां पर, एक एक वोटर को रहमतिया स्कूल के वोट डालने जा रहे तो अलमान कैफे के गेट्स लगा दिए वहां पर एक बार चेकिंग, उसके फिर बीच में रास्ते में एक बार चेकिंग, कौन सा स्टेट इलेक्शन कमीशन इस बात की इजाजत दिया या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पुलिस वाले आइडेंटिटी कार्ड चेक करे बतलाइया। मेरे पास वीडियो है जो पुलिस वाले इलेक्शन में पुलिस वाले आइडेंटिटी कार्ड चेक कर रहे मेरे एरिया में। ठीक है उनका मकसद क्या था कि चंचलगुड़े की पोलिंग को गिरा दो पोलिंग परसेंटेज, चंचलगुड़े की पोलिंग परसेंटेज जो 70-75 होती थी उसको गिरा दो। 9 बजे से लेकर 11 बजे तक 22 लोगों को गिरफ्तार किए, 22 लोगों को चंचलगुड़ा खाली 16-3 ब्लॉक में 22 लोगों को गिरफ्तार किए मेरे भाई। मतलब कौन सा कानून है जो इलेक्शन का 22 हिम्मेटी के चुन चुन के, अरे वर्कर अभी बाहर निकला उन्हें घर के बाहर खड़ा हुआ ये इंस्पेक्टर मटाया जाके 22 लोगों को गिरफ्तार करे। आप बतलाओ कोई कैंडिडेट का टेलीफोन लेके रख लेते बतलाओ। मेरी अहलिया जो आजमपुरे की कैंडिडेट थी दूल्हे खानवाद ज्योड़ी के बाद गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल में गई, क्योंकि खवातीन अकेली है बोल के उनके भाई साथ में फिर रहे थे, जब अंदर गए तो बोले कि आप टेलीफोन नहीं लेकर जा सकते अंदर, जबकि मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के पोलिंग एजेंट फोन लेके अंदर से बात कर रहे हैं और मेरे कैंडिडेट को फोन लेके आने नहीं दिया ये कभी ना। ठीक है फोन बाहर अपने भाई के हाथ में रख के अंदर गई कैंडिडेट, कैंडिडेट जब बाहर निकली तो उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया ये दलील, मेरे साले को यानी मेरी अहलिया के भाई को गिरफ्तार करके उसको लेकर गया पुलिस स्टेशन में बिठा दिया। जब मैं जाके गड़बड़ करा तो उनको रिहा किए, लेकिन कैंडिडेट का फोन जबीरपुरा इंस्पेक्टर के पास 5 बजे तक, 5 बजे तक ये जलील इंस्पेक्टर का फोन रहा है 5 बजे। अब आप बतलाइए अगर कैंडिडेट का फोन अगर खींच लिए तो क्या वो कम्युनिकेट करेंगे अपने वर्कर से बतलाइए। उसके बाद में इब्राहिम फंक्शन हॉल में मेरे कुछ दोस्त अहबाब जो पोलिंग स्टेशन से तकरीबन बहुत दूर चले गए, गाड़ी रोका, तकरीबन 5 आदमी को वहां से गिरफ्तार कर लिया, गच्ची बोली पे लोग जहां पर चबूतरों पे बैठे हुए उनको गिरफ्तार, जलालत की इंतहा। एक पोलिंग स्टेशन के सामने मस्जिद में से लोग नमाज पढ़ के निकले, मस्जिद में से नमाज पढ़ के निकले लोग आपस में गुफ्तगु कर रहे हैं, यानी उमन ऐसा होता है कि कोई जोर की नमाज के बाद में निकल के जईफ लोग आपस में बात करते, वहां पर आके मस्जिद मुनवरिया के पास आके 4 जईफ लोगों को बिठा लेके गया पुलिस स्टेशन में, 4 लोगों को गिरफ्तार किया ये। ठीक है उसके बाद में उमन इलेक्शन कमीशन से एक पास दिया जाता खाना देने का,
पोलिंग एजेंटों को जो बैठकों को खाना देते, मेरे दोस्त असलम, उनको हम पास निकाल के दिए, गाड़ी का पास निकाल के दिए, खाना दिए के ये पूरे पोलिंग एजेंटों पे ले जाके खाना तकसीम करो। वो बेचारा खाने के पैकेट बन के जा रहा, गाड़ी सीज कर दिया, खाना ले लिया, उनको डाल दिया। ठीक है, यानी मैं बतलाना चाह रहा हूँ कि 50 लाख क्या है, इसको कैसा काम करवाया। दबेपुरा नाके को पूरे पूरा दबेपुरा नाका ऐसा दिख रहा था कि अब्दुल्ला खान वर्सेस एमआईएम नहीं, एमआईएम वर्सेस एमबीटी नहीं, बल्कि या अमजदुल्ला खान वर्सेस दबेपुरा पुलिस हो गया था। ठीक है, उसके बाद में इब्राहिम फंक्शनल के पास गए। पोलिंग एजेंट आप देखिए, एक पोलिंग एजेंट अंदर जा रहा, साइन है उसके अंदर कैंडिडेट की, तो इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस आपके कम्युनिटी हॉल चंचल बुड़ेगा ने मेरे पोलिंग एजेंट को रोक दिए। रोक के ये बोले कि ये साइन डुप्लीकेट है, ये पोलिंग ये कैंडिडेट की साइन नहीं होती, जबकि पोलिंग एजेंट की साइन सही है या गलत है इसका हक प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास साइन होती कैंडिडेट की और इलेक्शन एजेंट की। वो पोलिंग एजेंट को गिरफ्तार करके पोलिस स्टेशन ले लेके गया। जब पोलिंग स्टेशन लेकर गया तो वहां पर कैंडिडेट पोलिस स्टेशन को गई, जाके बोली कि ये मेरी साइन है, देखो ये चेक करो, इलेक्शन कमीशन का फॉर्म है, ये मेरा आइडेंटिटी कार्ड पे ये मेरी साइन है। तो ये बेदरता हंसा, हंस के बोला अच्छा तुम्हारी साइन है, छोड़ दिया। पोलिंग एजेंट को बैठने नहीं दिया कम्युनिटी हॉल पे। फिर बाद में जब डॉक्टर साहब इलेक्शन एजेंट थे, उन्होंने जाके साइन करके वापस एक पोलिंग एजेंट को बैठा। मेरे फुफेरे भाई की बेटी वोट डालने के लिए गई, वो लड़की भी वोट डालने के लिए गई और उसकी खदेड़ी बहन उसके साथ, दो जने वोट डालने के लिए गए। तो एक लड़की वोट डाल दी, मेरे जो फुफेरे भाई है मोहसिन, उनकी लड़की गई वोट डालने के लिए, लड़की अपना वोट डाल दी। दूसरी जो लड़की उनकी खदेड़ी बहन साथ थी, उसके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं था, उसके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं था, तो बोले नहीं आइडेंटिटी कार्ड लाओ। आइडेंटिटी कार्ड को लड़की बोली तुम यहाँ पर लाइन में रहो, मेरा घर सामने, मैं अभी आइडेंटिटी कार्ड ला जाऊं। ये लड़की अपना बिल्कुल पोलिंग बूथ के सामने, उसका घर है मेरे फुफेरे भाई का, जाके आइडेंटिटी कार्ड लेके आके आइडेंटिटी कार्ड दे रही है, तुम दोबारा पुलिस स्टेशन में कैसा जा रहे हो। लड़की को गिरफ्तार कर लिया मेन पुलिस ऑफिसर, एक लड़की को गिरफ्तार करके 6 घंटे लेके जाके पुलिस स्टेशन में बिठा दिया। जवान बच्ची मेन पुलिस ऑफिसर, कोई लेडीज ऑफिसर नहीं है साथ में, कितना जुलम बदला ही गया। अब बोलिए कि फिर बाद में बोलते कि नहीं हक की जीत हुई, फतह हुआ, अल्लाह जिताया, रसूल जिताया, ख्वाजा गरीब नवाज हमको आजमपुर से जिताए। हाँ, अरे ये पुलिस को अगर सही रहती इलेक्शन जीतती, इलेक्शन मैं समझता हूँ कि आजमपुर से मजलिस के कैंडिडेट की जमानत भी नहीं बचती। ये हो गया चंचलपुरे का हिस्सा। एक इंस्पेक्टर, दो सब इंस्पेक्टर और डीसीपी 11 बजे तक यहीं बैठे रहे हैं सोचते नहीं। जब डीसीपी को यह मालूम हुआ कि मीरचौक पुलिस स्टेशन पे दोनों पार्टी असेंबल हो रहे हैं, वो हाउस का झगड़ा हो रहा, तो जब मेरा एरिया छोड़ के उधर गए। आज के टाइम्स ऑफ इंडिया खास तौर पर निकाल कर पढ़िए, मैं मेरे फेसबुक पे भी डाल रहा हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो आया वाज खुले अल्फाज में लिख दिया कि डीसीपी एमआईएम का एजेंट है। 3:30 बजे देखो आप डॉक्टर साहब बोल रहे कि दिन में यही था, फिर 3:30 बजे फिर डीसीपी आके इब्राहिम फंक्शन हॉल में बैठे। ठीक है, आजमपुरे का वाकया सुनिए आप। आजमपुरे में जितने पोलिंग बूथ बने, एक होमगार्ड, एक ही चौंगा, 6 पोलिंग बूथ है, 6,000 वोट है वहां पर, एक ही चाफी, एक ही लेडी होमगार्ड, एक दो पट्टियों की चप्पल पहन के घूमती होमगार्ड, कोई नहीं वहां पर। 6,000 वोटों के लिए 2 और यहाँ 1,000 वोट के लिए 150 पुलिस वाले हैं, 2 कांस्टेबल सिर्फ। और तकरीबन मैं समझता हूँ कि मेरी इतला के मुझे मुकामी एमएलए 500 बुरखे सिलाए, 500 बुरखे पैर में कड़ा है, हाथ में उसके हूं लिखा हुआ है, बुरखा पहन के उड़ जाती है। नहीं मजाक नहीं, हंसने की बात नहीं है, हकीकत जो हुआ। मेरे पास एक एक चीज का वीडियो रिकॉर्डिंग है, मेरे पास एक एक चीज का वीडियो रिकॉर्डिंग है। मैं बोल रहा हूँ कि मैं कच्चे गुलिया खेलने वाला नहीं हूँ, ये पूरा मंजर यहाँ पे लाऊंगा, हाईकोर्ट में रिट डालूंगा, ये पूरे डीसीपी इंस्पेक्टर इस सारों को पूरों को जब तक नंगा नहीं करके छोड़ूंगा, मैं सामने बैठा।
मेरिडियन फंक्शन हॉल में 6 पोलिंग बूथ है, 2 एक होमगार्ड एक लेडी होमगार्ड, 50-60 औरतों को लाके वहां घुमा रहे, खाली घुमा रहे, टिक्का भी नहीं डाल रहे वहां पर। और भाई चलो टिक्का डाल रहे बाद में लाइन में आ रहे, नहीं, आखिरी एक घंटा 4 बजे तक 19,000 हुई पोलिंग आदमपुर में। गौर करिए मेरी बात को, 4 बजे तक 19,000 हुई। ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर के घर पे हमला हुआ, गड़बड़ हुई, उनके बेटे को मारे, उसके बाद में 1 घंटे के अंदर 21,300 हो गई पोलिंग। कितने बढ़ गए? 2,300 बढ़ गए। जो पोलिंग का स्टार्ट था कि 7 बजे से 8 बजे तक कितने वोट पड़े, 8 बजे से 9 बजे तक कितने वोट पड़े, 9 बजे से 10 बजे तक कितने वोट पड़े, वो पूरा ग्राफिक रहता है कि पोलिंग परसेंटेज कब बढ़ा कब कम हुआ। तो पोलिंग परसेंटेज जो आजमपुर में एकदम हाई राइज हुआ 4 बजे से 5 बजे तक, मेरिडियन फंक्शन हॉल में 300 वोट मार लिए, मूसा नगर में 200 वोट मार लिए, कट्टलगुड़े के पोलिंग बूथ में जो वार्ड ऑफिस करने के जो पोलिंग बूथ पड़े थे वहां पर एक 200-300 वोट मार लिए, खत्म, खाली। इधर से प्रिसाइडिंग ऑफिसर दबा रहा बटन, उधर से एमआईएम का कारकुन बटन दबा रहा, इधर से प्रिसाइडिंग ऑफिसर बटन दबा रहा, उधर से उन्हें बटन दबा रहा। अब कई आप लोग अखबार में सुने होंगे कि वेब टेलीकास्टिंग होता, कंप्यूटर लेके बैठेगा एक बच्चा, कैमरे लगेंगे, कुछ भी नहीं। वो आखिरी एक घंटा उसका लैपटॉप ऐसा फिर गया, उन्हें ले रहा ही नहीं, उन्हें ये जो बोकसिंग हो रही है उसको ले रहा ही नहीं, उन्हें पूरा ऊपर से नीचे तक एक एक पोलिंग स्टेशन पे 10-10 लाख रुपए बांट दिए। प्रिसाइडिंग ऑफिसर के घरों पे पैसे पहुंच जाए, वहां से उसकी बीवी पैसे लेके बोलती माल बच्चा रहा यहाँ ये काम चालू कर दिया। नहीं, हंसने की बात नहीं है, मैं जो इलेक्शन की जो एक एक चीज जो देखा वो बता रहा हूँ। 7 पोलिंग स्टेशन है वार्ड ऑफिस के अतराफ में, 7 पोलिंग स्टेशन में 1 घंटे में 1,000 वोट मार लिया, यानी 19,000 है 4 बजे, ठीक, मेरे कहने पूरा रिकॉर्ड है, 4:05 तक 22,000 चिल्लर वोट हो गए। उसके बाद में इलेक्शन हुआ आदमपुरे का जो इलेक्शन है कि स्ट्रेट फाइट बिटवीन बोल रहे थे कि एमआईएम यूपी, कोई तीसरी पार्टी का नाम नहीं आ रहा था, लेकिन हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब महमूद अली साहब एक इज्जत का सवाल बना लिए बेचारे, बोले नहीं आदमपुरा मेरे को जीतना जरूरी है। मैं बारहा उनको बोल रहा था, बारहा उनके बेटे आदम अली को बोल रहा हूँ कि भाई तुम आदमपुरा नहीं जीत सकते, ना खुद जीतेंगे ना मेरे को जीतने देंगे, नहीं हम जीत रहे हैं, हमारे बाबा की इज्जत का सवाल है, अगर हमारे बाबा आदमपुरा नहीं जीत सके तो सीएम को क्या मुंह दिखाएंगे, मिनिस्टरों को क्या मुंह दिखाएंगे, हमारी होम कांस्टेंसी है। एक को लाए पकड़ के बिचारी कहा कि एक निजामबाद की थी, उससे बात करके लाए, 2 करोड़ रुपए में उससे बात करे, 2 करोड़ रुपए टीआरएस वाले बांटे, 2 करोड़ रुपए। मान लीजिए भरतनगर में पाड़ीवाड़ा है, वो पाड़ीवाड़े के 300 वोट है, 10 लाख रुपए भेजे टीआरएस वाले, 10 लाख रुपए पाड़ी। आप देखिए 9,000 गैर मुस्लिम वोट है आदमपुरे में, 9,000 में 4,000-4,500 की पोलिंग हुई, वही वोट लिए, एक भी मुस्लिम वोट नहीं मिला टीआरएस, वो जो गैर मुस्लिम के वोट जो कुछ मेरे को आते थे वो वोट काट लिए ये लोग। और गली गली एक ही बात बोल रहे डिप्टी सीएम साहब, चंचलगुड़े में आए हम खाली होंगी तो मैं महिलाओं के लिए कब्रस्तान दूंगा, पाड़ीवाड़े में गए जाके वहां पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ये वादा करे कि जितने पाड़ी लोग मेरे को वोट डालेंगे, टीआरएस को वोट डालेंगे, हम सबको घर देंगे, डबल बेडरूम फ्लैट देंगे, फार्मा तकसीम हुए, साइन हो रहे। और इलेक्शन कमीशन का तो ये है कानून कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, इलेक्शन कमीशन का कानून। मैं एक झंडा लगा रहा हूँ, फौरी बल्दिया आ जा रही, पुलिस आ जा रही, इलेक्शन कमीशन का पूरा अमला आ जा रहा, हमारी झंडी को निकाल दे रहे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के घर के अतराफ में पूरा पिंक पूरे पूरे भर दिए, कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। तो आप बताइए कि इलेक्शन कैसा होगा यहाँ पर? तेलुगु देशम पावर में थी, तेलुगु देशम इक्तदार का नाजायज इस्तेमाल करी, कांग्रेस पावर में थी, कांग्रेस नाजायज इस्तेमाल करी, अब टीआरएस पार्टी तो ये तमाम जितने 2 पार्टियों का रिकॉर्ड तोड़ दिए, रिकॉर्ड तोड़ के पूरा, कम से कम टीआरएस वाले मेरे हलके में 2 करोड़ पर बांटे। मेरे घर के करीब में एक बाड़ा है, अचानक एक दिन मेरे को वो बाड़े से टेलीफोन आया, साहब यहाँ पर कोई लोग आए लाख के, वो बाड़े में तकरीबन 20 मकान है, 2 लाख रुपए बांट दिए रात के 1:30 बजे आए। मैं बोला भाई कौन आए, कोई महल्ले में आके पैसे बांटना हो तो कोई महल्ले वाला साथ रहना,
नहीं नहीं कोई नए लोग आए आके बोले टीआरएस को वोट देना, दन 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 कितने घर में वोट है। एक मामूली सी बाड़े में 2 लाख रुपए बांट के गए और खास तौर पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर के घर में मीटिंग हुई। मीटिंग होके बोले गए चंचल गुड़े में पोलिंग टाइट हो जाना, ये एमआईएम की तरफ से अलग दबाओ, पैसे अलग दे रही, ये टीआरएस की तरफ से अलग दबाओ। मैं बाद में मालूम किया कि भाई ये चिच्चा क्यों इतना नाराज है, क्यों मेरे को इतना चाहने वाले डिप्टी चीफ मिनिस्टर उनके बेटे क्यों इतना नाराज है। तो बोले नहीं आप हमारी हुकूमत को बदनाम करें, आले वेंकाउंडा के मसले पे 12% रिजर्वेशन पे आप हमेशा खिलाफ में बोलते रहे। यकीनन बोलता आ बोलता हूँ बोलता रहूंगा, आप तो वो भी बोलूंगा वायरस के रेवेन्यू मिनिस्टर कौन से जमीनों में घपला करे वो भी बोलूंगा, जा वो भी बोलूंगा। आप सुनो तुम, अरे ये बेचारे इतने मजबूत डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, इनके वालिद का इनके वालदा और वालिद की खबर है, कहां पर खबर है, चुनती शाह ग्रेवयार्ड में, वो खबरस्तान पे कुछ नाजायज कब्जे है घरों से, गैर मुस्लिम के घर है वहां पर। तो इनके बाप दादा वालदा वालिद की जहां पर खबर है वो खबरस्तान कलेक्टर पट्टे बना के पट्टे अलाट कर दिया, तो इनकी इनको खबर नहीं है, नहीं है इनको खबर। वो बेचारे हमारे उस्मान अल हाजरी जाके हंगामा करके सियासत में इतना बड़ा डाले, तो जब इन्हें नींद में से उठ के वो पट्टे कैंसिल कराते बोले, मगर आज की तारीख तक ही वो पट्टे कैंसिल नहीं हो। जो शख्स अपने बाप दादा वालदा वालिद की बहसियत डिप्टी चीफ मिनिस्टर उस खबरों की हिफाजत नहीं कर सकता, वो आप मुसलमानों के कब्रस्तानों की क्या हिफाजत कर सकता है। तो ये आजमपुरे की कहानी सुना है हमने कि किस कदर मेरे को हराने की कोशिश करे, हालांकि मैं उम्मीदवार नहीं हूं वहां पर। वहां अगर तहरीक की नुमाइंदा वो लोग डर गए कि अमजदुल्ला खान की अहलिया अगर इंतखाबात जीतेंगी, तो देख रहे थे वो लोग पोलिंग में कैसा कैंपेनिंग चल रही थी, कैसा मसला उठाएंगे, कैसा लड़ेंगी, वो भी परेशान थे वो लोग। 8 दिन तक टीआरएस सॉरी आजमपुरे में इलेक्शन से 8 दिन पहले ये दोनों की लंच पे मीटिंग हुई, अहमद बलाला और डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब खाने पे दोनों जने 1 घंटा तभी गुफ्तगू हुई। गुफ्तगू होने के बाद में अचानक टीआरएस अकबरबाद में एक्टिव हो गई, अचानक आजमपुरे में टीआरएस एक्टिव हो गई। मकसद क्या था, जो मुखालिफ मजलिस एंटी एस्टेब्लिशमेंट यानी मुखालिफ मजलिस जो अमजदुल्ला खान को जा रहे थे, वो वोट को काट दो, वो वोट को आप ले लो। और टीआरएस की कैंपेनिंग कहीं भी आजमपुरे में नहीं चली, कहीं भी सिर्फ चंचलगुड़े में चल रही, खाली चंचलगुड़े में टीआरएस की कैंपेनिंग। वो आयदा स्कूल के सामने एक ऑफिस है, तकरीबन 18 महीने 2 साल से ऑफिस है करते वहां पर। वो ऑफिस का किराया नहीं दिए तो बेचारा गालियां दे रहे थे, फिर रहा था मैं ऑफिस बंद कर देता हूँ, किराया नहीं देते। उसको बुला के 2 लाख रुपए किराया दे दिए, 2-4 लाख रुपए उसको दे दिए, सामने झटपट नगर में बांटो तुम पैसे हो। एक मेरे एक रिश्तेदार है, वो बेचारे डिप्टी सीएम के बहुत फॉलोअर है, उनको बुला के 2-4 लाख रुपए देके उन्होंने पूरे महल में पैसे बांट कर देते। तो आज क्या हुआ बताइए आप, ये जो मजलिस के खिलाफ में जो आवाज उठने वाली थी कौन दबाए, ये टीआरएस वाले दबाए। टीआरएस पूरा इकतदार का नाजायज, उन लोग बोले कि भाई मजलिस हमारे साथ एडजस्टमेंट है, ये अमजदुल्ला खान एनबीटी वाले हमारी नहीं सुन रहे, ये आले रेनकाउंटर से खामोश बैठे हो तो इनको खामोश नहीं बैठ रहे, 12% रिजर्वेशन पे खामोश बैठे हो तो नहीं बैठ रहे। निजामबाद में जहाँ की ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कविता है, वहां पर एक मजलूम कुमार के वहां इन्हें केस लड़ा, वहां खामोश नहीं बैठ रहा। दोमा पुलिस स्टेशन में रहीमा भी और वो लड़का जो लापता है उसके ऊपर इन्हें खामोश नहीं बैठ रहा। ठीक है, आज मेरी आवाज बंद करने की कोशिश करे, अकबरबाग का जो वाकया है सुनिए। अकबरबाग म्युनिसिपल डिवीजन यकीनन मेरे लिए नया था, पहले तो डिवीजन कैसा बना, कैसा काटे, कौन काटे, यानी बल्दिया के ऑफिसरों को रिटर्निंग ऑफिसरों को नहीं मालूम कि एरिया कैसा करना। मेरे को सिर्फ 20 दिन मिले वहां पर हल्के में काम करने के लिए, सिर्फ 20 दिन। 20 दिन में वहां पर भी टीआरएस बिल्कुल साइलेंट जारी थी, कहीं भी टीआरएस का झंडा नहीं दिखता था। मजलिस वाले पहले बोले कि बीजेपी से मुकाबला है, अगर 2 लड़ेंगे तो बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी का कैंडिडेट विड्रा हो गया अकबरबाग से। उसके बाद में बोले नहीं तेलुगु देशम जीत जाएंगी, बोले तेलुगु देशम का भी उम्मीदवार लापता था वहां पर। उसके बाद में अचानक 8 दिन पहले वो जो लंच पे दोनों की मीटिंग हुई, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और अहमद बलाला साहब की मीटिंग होते, वहां पर भी कार निकलना चालू हो गई, कार फिर रही,
कहीं भी गैर मुस्लिम एरिया में नहीं फिर रही टीआरएस वाले, सिर्फ मुस्लिम एरिया में फिर रहे टीआरएस के कैंडिडेट डिप्टी सीएम साहब। यानी ये दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसियों में कितने बड़े बड़े लोग आए बता रहा हूँ मैं आपको। एक दिन केटीआर साहब आए दोनों हल्कों में, एक दिन हरीश राव साहब आए, एक दिन कविता मैडम आए, एक दिन चंद्र वो हमारे इटला राजेंद्र साहब आए, एक दिन आपके कोई जीवन रेड्डी मिनिस्टर, एक दिन यानी हैरत कर रहा हूँ रोजाना कोई ना कोई एक मिनिस्टर आजमपुरे में, कोई ना कोई मिनिस्टर अकबर बाग। तो ये क्या वजह क्या थी कि अकबर बाग से अब्दुल्ला खान को हराओ, मजलिस बचाओ देश की नुमाइंदा को आजमपुरे से हराओ। मैं गया अपना मैसेज रखा, डर और खौफ का माहौल। एक नया और एक बात खुली आई हमारे इंस्पेक्टर दबीरपुरा साहब, बाउंड ओवर किसको कर रहे हैं, बाउंड ओवर इलेक्शन में किसको करते हैं, जो किसी का पहले रौडी शीटर है उन्हें या कोई चोर है। या कोई सामयिका इलेक्शन में कोई पोलिंग बूथ पे गड़बड़ करा उसका रिकॉर्ड पुलिस में, तो उसको बुला के बाउंड ओवर करते, पाबंद करते। रोजाना 3 दिन पहले से बच्चे मेरे को टेलीफोन कर रहे हैं, साहब हमारे को दबीरपुरा इंस्पेक्टर बुला रहे हैं, साहब दबीरपुरे के सब इंस्पेक्टर हमको बुला रहे हैं। जो बच्चे का 70 का चाला नहीं है, कभी उन्हें पोलिंग स्टेशन नहीं चढ़ा, पुलिस स्टेशन नहीं चढ़ा, जो कभी किसी को एक पचकड़ नहीं मारा उन्हें, खाली चंचल बुड़े के 60-70 बच्चों को बुला के बॉन्ड ओवर कराइए, कभी नहीं 60-70 बच्चों को बुला के बॉन्ड ओवर कराइए। बुला रहा, गाड़ी में बिठा रहा, आरडीओ कोर्ट को लेके जा रहा, बॉन्ड ओवर कर रहा। ठीक है, करे ना बेटे तुम, ठीक है। रैन बाजार इंस्पेक्टर का देखिए आप क्या रोल था हमारे अजमलुद्दीन फारूकी साहब, नहीं सुना है कहानी आप दास्तान। रैन बाजार इंस्पेक्टर को छौनी म्युनिसिपल डिवीजन लगता, ये रैन बाजार इंस्पेक्टर वही इंस्पेक्टर है, हाई कोर्ट पहले हमारे को ऑर्डर दिए थे फरक खान के इलेक्शन में 2014 में के बड़े बाजार में आप जलसा करोगे, हमारे पास ऑर्डर है, हमारा ऑर्डर कैंसिल करके एमआईएम पार्टी मुमताज अहमद खान उम्मीदवार को परमिशन दे दी। हम बोलेंगे भाई हम पहले डाले सो है परमिशन, फिर बाद में तुम डाल, तुम उनको कैसा ऑर्डर दिए, नहीं नहीं अब हम उनको दे दिए, वही एमआईएम का जलसा होगा बड़े बाजार में। हम अदालत को गए, अदालत ये बोली कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर, जो पहले एप्लीकेशन डाला उसको ऑर्डर दिया और एमपीटी का जलसा होगा, बोल के GDR कट इंस्पेक्शन दे दिया। लेकिन ये इंस्पेक्टर, ये असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, ये DCP साउथ जोन, और साथ में नाम लेना भूल जा रहा हूँ, बेचारे आधा मुसलमान आधा भेड़, वो बाबू राव, अक्सर पढ़े होंगे आप अखबारों में कि बाबू राव साहब इस्लाम कबूल कर लिए बोल के, जामी निजामिया के मुफ्ती खलील अहमद साहब के सामने हाथ पे इस्लाम कबूल कर लिए बोल के आया था, पढ़े ना हमारे एतेमाद अखबार में, सियासत अखबार में आया। थोड़े दिन पहले मैं उनको काले कपड़े पहन के नंगे पर फिरते हुए देखा, तो मेरा साहब ये क्या है पूछा, तो बेचारे बोले नहीं हमारी वालदा का इंतकाल हो गया, तो गैर मुस्लिमों में नंगे पर फिरते कुछ दिन, तो मेरा ये घर वापसी कब हुई आपकी पूछा मैं, तो हंसने लगा, अरे जान दो ना जी हो सब कही तू। तो ये बाबू राव आके प्रेशर करके हमारे को वहां जलसा करने की इजाजत नहीं दी। ये असेंबली इलेक्शन में हम कंप्लेंट करें वो ऑफिसरों के खिलाफ में एक्शन लेना था ना, नहीं दी गवर्नमेंट, नहीं दी इलेक्शन कमीशन, नहीं। फिर वही कमीना वो इंस्पेक्टर रैन बाजार अजमलुद्दीन फारूकी साहब 82 बस स्टॉप के ऊपर परमिशन डाले कि मेरे को परमिशन दियो बोल के, 82 बस स्टॉप के ऊपर परमिशन डाले, तो ये बोलता कि नहीं वहां पर एक पार्टी की ऑफिस है, हम आपको वहां पर परमिशन नहीं दे सकते। अरे मैं बोला मैं आजमपुरा चमन का नहीं आज जलसा किया कि वहां पर डिप्टी सीएम का घर है, टीआरएस पार्टी का ऑफिस है, सामने मजलिस का दफ्तर है, चमचनपुरे में मेरे जो एमबीटी की जो कैंडिडेट है लेडी कैंडिडेट उसके घर को पोंगा लगा के मजलिस वाले वहां जलसा करे, तो हमारे को क्यों नहीं वहां पर परमिशन मिलता, नहीं नहीं आप आगे हटा के जलसा कर लो। इतना सताए बेचारा को, इतना सताए, पैदल दौरे का परमिशन नहीं, जलसे का परमिशन नहीं। तो ये इलेक्शन क्या हो जा रहा मालूम, ये चाहे असेंबली इलेक्शन रहो या आपके पार्लियामेंट इलेक्शन रहो या बदिया इलेक्शन रहो, अब काम वाम की कोई अहमियत नहीं। आप 5 साल काम मत करो, आप कुछ मत करो, एक 25-50 लाख रुपए डालो, नाके को खरीद लो और ऐसा चंद बदमाशों को खरीद लो, इलेक्शन जीतो चले जाओ। ये बतला रहा हूँ मैं कि आजकल जो इलेक्शन का ये ट्रेंड हो गया, इलेक्शन जीतने का और इलेक्शन हारने का,
आप 5 साल खिदमत करेंगे वहां पर आपके वोटरों को पुलिस घरों से नहीं निकलने देती, घर से नहीं निकलने देती, वोटरों दहशत फैला देती। तो अगर आपको इलेक्शन जीतना है तो जलील पुलिस ऑफिसरों को खरीद लेना, उनके ईमान को खरीद लेना, उनके बीवी को खरीद लेना, उनके बच्चों को खरीद लेना, उनके बेटियों को नहीं खरीद लेना, पैसे डाल देना, देख कभी ने कितने होना पैसे, 10 लाख मंगा तो 20 लाख डाल देना उसको। उन्हें क्या करता, आपके मुखालिफिन को गिरफ्तार कर लेता, आपके मुखालिफिन के पोलिंग एजेंटों को गिरफ्तार कर लेता, तमाम को गिरफ्तार कर लेता, फिर आपको इलेक्शन जिता देता, फिर 5 साल उन्हें जैसा बोले वैसा सुनते रहे, उसके मैत्री के मेंबर बन जाना, कोई मजलूम को लेकर आके एनकाउंटर कर दी तो जबान नहीं उठाना, कोई वाक बोर्ड पे कब्जा कर दिया तो उसके खिलाफ में आवाज नहीं उठाना, कोई मिनिस्टर लाखों करोड़ों रुपए खा लिया तो उसके खिलाफ में आवाज नहीं उठाना। ये इलेक्शन इज इक्वल टू ये हो गया आज की तारीख में, ये बतलाना चाह रहा हूँ। खैर, अकबरबाद का वाकया सुनिए आप। अकबरबाद में मैं नॉमिनेशन डाला, मेरे भाई नॉमिनेशन डाल के परमिशन है मेरे पास, जुलूस लेके वापिस आ रहा हूँ। तो उमर क्या होता है, कैंडिडेट पूरा एरिया फिरते हुए आता, वहाँ एक और एक कमीना है, वो सैदाबाद इंस्पेक्टर फौरी आके मेरे जुलूस को रोक गया, बोला परमिशन नहीं है। अरे मौला साहब, आप खुद रिकमेंड करें, आप खुद साइन करें, एसीपी को भेजे, एसीपी डीसीपी को दिया, डीसीपी रूट लिख के दिया उसके अंदर, क्योंकि नॉमिनेशन के दिन बहुत ज्यादा रैलियां निकलते तो हर पार्टी को अलग रूट देते, सैदाबाद से लेके सपोटाबाद, सपोटाबाद से सरफे अकबरबाद, अकबरबाद से सरफेबाद पट्टन, सरफेबाद पट्टन से काला डेरा, मेरे पास परमिशन की रूट है। और मैं क्योंकि मालूम ये पुलिस वाले तंग करते हो के एक एडवांस कॉपी हमारी तरफ से हम नाकों को भेजते, 1 घंटे तक मेरे जुलूस को रोक दिया इंस्पेक्टर सैदाबाद, 1 घंटे तक रोक दिया। उसके बाद में किससे किससे बात कराने वालों, नहीं साहब बहुत प्रेशर है आपकी परमी ये रानी यहाँ रोक दो आप घर को जाओ, होता है परमिशन रहने के बाद में कैसा रोकते पता बोलूँ। खैर ठीक है, फिर हम भी हंगामा करें, उतर के गड़बड़ करें, वो मार फेंक करके हम रैली निकाले, चल जा जो किस करता कर, जो करता कर, लड़ी के कोर्ट में अदालत में 2-3 साल रुके रैली। दूसरा दिन मैं पदयात्रा कर रहा हूँ मेरे भाई अकबरबाग में, पदयात्रा का परमिशन है मेरे पास, पदयात्रा में आके पुलिस वाले, अरे कैमरे तो इतने लगा लिए थे मेरे पीछे, यानी एक नाके का कैमरा, एक ये 3 नाके लग रहे हैं अकबरबाग को, तो तीनों के कैमरे मेरे पीछे, मलकपेट का एक कैमरा, सैदाबाद का एक कैमरा, चंद्रघाट का एक कैमरा, मैं ऐसा पदयात्रा को हाथ पैर रख रहा हूँ जमीन पे, कैमरे चालू हो जा, ठीक है ले लो, मैं घर में बताने को ले रही साथ ले लो। उसके बाद में एसबी वालों का एक कैमरा, टास्क फोर्स वालों का एक कैमरा, इंटेलिजेंस वालों का एक कैमरा, आईबी दिल्ली से भी आए थे, आईबी वालों का एक कैमरा, 5-5 कैमरे। अरे पदयात्रा में 10-80 रहे हैं मेरे साथ, मतलब 10 कैमरे साथ में। मैं पदयात्रा करते हुए अकबरबाद से सामने की एक गली में कोई एक मोहतरमा बुलाए मेरे को गुलपोशी करने के लिए, इमाम इजाजी बनने के लिए, मैं वहां गया, जहाँ से 4 गाड़ी पुलिस आ गई वहां पर, सैदाबाद इंस्पेक्टर एस नहीं पर पीछा बिछा एसी की मलकपेट की मैं तारीफ करूंगा, बिल्कुल फेर फेर गया हूँ इलेक्शन, बिल्कुल फेर फेर, यानी पहले वो बिचारे हमारे संतोष नगर इंस्पेक्टर थे, मजबूर थे, उन लाचार थे बिचारे, एसीपी मलकपेट, एसीपी सुल्तान बाजार, एसीपी मलकपेट, ये दोनों की तारीफ करूंगा, बिल्कुल फेर गए ये लोग। और इंस्पेक्टर चंद्रघाट भी बहुत फेर गया, ये और बात है कि पुलिस नहीं डाला मगर हमारे कोई परमिशन को, हालांकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर का बहुत प्रेशर था कि आजमपुरे पे एफबीडी को परमिशन नहीं देना बोल के, मेरे को बोला वो कॉल करके अहमदुल्ला एंड हैविंग ए लॉट ऑफ प्रेशर बट आई एम गिविंग परमिशन, वहाँ दो दो ऑफिस है, जरा आप आपके कैडर को देख लो आप जलसा करते हो, पर ये इंस्पेक्टर चंद्रघाट, एसीपी सुल्तान बाजार, एसीपी मलकपेट, मैं उनके लिए हमेशा दुआ करूंगा, अगर मेरे से कुछ हो सकते तो बराबर मदद करूंगा आगे चल, लेकिन ये जलीलों को नहीं छोड़ूंगा, याद रखो आप। जैसा डुगडुगी बजी तो बंदरा कैसा हो सकते झाड़ों पे से, सुबह एक जगह ऑर्डर मिलेगा इनको, शाम में ट्रांसफर ऑर्डर इनके हाथ में मिलेगा, सुबह एक जगह पोस्टिंग, शाम में एक जगह ट्रांसफर करूंगा इंशाल्लाह, पूरी बुक लिखोगे कौन कौन क्या क्या करे। ये आया सैदाबाद का इंस्पेक्टर आके फौरी मेरे को बोलता यू आर अंडर अरेस्ट, तुम वायलेशन करे परमिशन का, मैंने क्या वायलेशन करे बेटा बोलो, क्या वायलेशन करा, मैंने क्या मेरे को ऑटो ड्राइवर समझ रहा या तो रिक्शा वाला इलेक्शन लड़ रहा समझ रहा, 10 साल से कारपोरेटर हूँ, 20 साल से पॉलिटिक्स में हूँ, और अमानुल्लाह खान की औलाद हूँ, ये सो मालूम मेरे को ए बी सी डी क्या क्या होता, परमिशन निकाल के बताया तो बोलता नहीं, तुम खाली अकबरबाद का परमिशन लिए, जीवन यापन कॉलोनी उसमें नहीं है, अकबरबाद में सब कॉलोनियां हैं, अकबरबाद ऑल लैंड इंक्लूडिंग ऑल कॉलोनीज बोल के उसमें
फिर मैं एसीपी मलकपेट को फोन किया, डीसीपी ई जोन को फोन किया, दोनों आए वहां पर, एसीपी मलकपेट एडिशनल डीसीपी ई जोन, हाँ और एक खुल गया एडिशनल डीसीपी ई जोन, बेचारे छह मरतबा गाड़ी चेक कर रहा मेरी पोलिंग के लिए, छा मिले रोक रहा गाड़ी चेक कर रहा, तुम्हारी गाड़ी में पैसे है कहते, तुम्हारी गाड़ी में वो है कहते, यानी ऐसा दिख रहा था कि वो एडिशनल डीसीपी ई जोन, नाम याद नहीं आया, वेंकटेश्वर राव नाम है बेचारे का, मेरे सामने मेरी गाड़ी चेकिंग कर रहा हूँ मैं, अहमद बलाला 100 आदमी को लेके अकबरबाग चौरस्ते से स्टैंडली स्कूल से सैदाबाद जा रहा वाला साहब, हंधे है देखो कैसा जा रहा हूँ मैं, तो हाँ मेरे को मालूम क्या ड्यूटी करना मैं कर रहा हूँ, तुम मेरे को नहीं बोलना, तुम मेरे को नहीं सिखाना, ठीक है, एडिशनल डीसीपी ई जोन का भी नाम है मेरी लिस्ट में। अब उसके बाद में खैर वो परमिशन बताए, आधा घंटा मेरा खराब है, अगर पदयात्रा में मेरा आधा घंटा खराब करे तो आधा घंटा मेरे को एक्सटेंशन देना ना, तुम्हारी वजह से खराब हुआ ना, तुम्हारी गलती से नहीं, आधा घंटा परमिशन मिला 2 घंटे का, आधा घंटा पुलिस की बहस, पूरे वीडियो बच्चे बोल रहे हैं, बच्चे डर रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे, नए नए कॉलेजों के बच्चे मेरे साथ काम कर रहे हैं, नए तंजीमा वाले, शाम के जितने बच्चे मेरी पदयात्रा पे थे पूरों के घरों पे सैदाबाद पुलिस स्टेशन से एक कांस्टेबल जा रहा है ये बोल रहा है साफ बोल रही, एक एक फोटो दियो आप लोगों की और आप लोगों के डिटेल्स, मैं पूछा कि सैदाबाद इंस्पेक्टर को कैसू मियाँ जरूरत है रिश्ता, आजकल इंस्पेक्टर सैदाबाद छोड़ के दफ्तर पयामा चला है क्या तुम, बच्चों के फोटो मंगा रहे हो, कौन से कानून के तहत आप मंगा रहे बोलो, पूछा मैं कौन से कानून के तहत आप ये मंगा रहे, नहीं 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 वो पूरा हम मेंटेन कर रहे हैं, पूरे पॉलिटिकल पार्टीज के एक्टिव वर्कर्स का मेंटेन कर रहे हैं, तो मैं बोला ये बोलिए कि आप टीआरएस से कितने मंगाए, एमआईएम से कितने मंगाए, टीडीपी से कितने मंगाए, मैं भी देता हूँ, इलेक्शन का तो पहले कानून ही है, लेकिन आपका अगर कोई नया कानून आप बनाए हिंदुस्तान के कानून से छोड़ के मैं देने के लिए तैयार हूँ। फिर बेचारे एसीपी मलकपेट से बात किया तो उन्हें बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बात करता हूँ मत भेजो आप, चलो वो एक झगड़ा खत्म हुआ। दूसरे दिन मेरा जलसा है साहब अकबरबाग चौरस्ते पे, मेरा जलसा है अकबरबाग चौरस्ते पे, जब जलसा है तो ये इंस्पेक्टर आके पूरे पोंगे खुला दिया, ठीक है, मैं बोला साहब कानून में पोंगे नहीं लगाना, मैं नहीं लगाता हूँ, डब्बों में जलसा कर, डब्बे भी क्या करा, 2 डब्बे लगाए तो एक डब्बे का वायर खींच गया, एक ही डब्बे में जलसा करा मैं, कम से कम 4-5 हजार आदमी आए थे उस दिन जलसे में, लोग बोल रहे कि भाई हम आपकी तकरीर सुन ही नहीं सके। सेकंड डे मेरा जलसा हुआ सैटरडे, इनका जलसा हुआ मंडे, मैं इनका 36 पोंगे लगाए मेरे तरह, पूरी वीडियोग्राफी है 36 पोंगे। अकबरबाग चौरस्ते में जलसा हो रहा तो पंठन में पोंगे लगे हुए रहे, अकबरबाग जिनसू नगर पे पोंगे लगे हुए रहे, अकबरबाग आपके ईदगाह उजारे शाह तक पोंगे लगे हुए रहे, और इन्हें हंडा फैला हुआ है वहां पर, हंडा बन के आखा मत कर दिया है वहां करके, तो वो भी वीडियोग्राफी है मेरे कहने, जो मेरे को डब्बे लगाए ये इनके पोंगे लगाए। तीसरे दिन मेरा पदयात्रा हो रहा सफोटाबाद में, जलसा है साहब सफोटाबाद में, एक मुकाम पे दारी के वहाँ जलसा है, एक 8 आदमी लाके कंप्लेंट दी, क्या बोल के कंप्लेंट दिए कि यहाँ पर जलसा नहीं होना, जिस दिन सफोटाबाद में जलसा है पूरी दुनिया से टेलीफोन आ रहे मेरे को, भाई सफोटाबाद में कल पदयात्रा में गड़बड़ होने वाली है, सफोटाबाद में आपका जलसा नहीं होने दी, अमरीका से टेलीफोन आ रहे हैं, मेरे को सऊदी से फोन आ रहे हैं, अरे मैं बोला भाई सफोटाबाद क्या कोई आतंकवादियों का इलाका, क्या कोई बीजेपी शिवसेना वालों का इलाका है जो जाके कोई वहाँ जलसा करके हमला लगाने के लिए, क्या मैं कोई पाकिस्तानी हूँ, क्या मैं कोई बांग्लादेशी हूँ हिंदुस्तान में आके जलसा कर रहा हूँ, क्या मैं मुरली मनोहर जोशी हूँ, क्या कश्मीर में जाके ठंडा चढ़ा रहा हूँ, क्या पूछा मैं, ठीक है। दूसरे दिन सुबह में 3 बजे से पदयात्रा था, पदयात्रा चालू करा मेरे भाई, जब सफोटाबाद में मैं अंदर गया आप यकीन मन के तकरीबन लोग हमारे चंचलपुरे के थे वहाँ जो माइग्रेट होके वहाँ घर बनाने के रह गए, हर घर में गुलकोशी करे, हर घर में मेरे को बुला के बिठाए, वहाँ के खास तौर पे जो गैर मुस्लिम लोग हैं सफोटाबाद में आके मेरे को बोले, मेरे बच्चा आके बोला साहब जलसे की परमिशन नहीं मिला, मैं बोला भाई क्यों नहीं मिला परमिशन, नहीं सर्कल साहब बोल रहे जगह तब्दील करके आप जलसा करो, अब देखो कि सर्कल साहब जगह का पता नहीं, देखिए आप इंस्पेक्टर सैदाबाद की दयानतदारी, इंस्पेक्टर सैदाबाद बहुत बड़े ईमानदार, इनको ईमानदारी का इस सदी का डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड जो बना ईमानदार ऑफिसर को देने के लिए एक अवार्ड बनाई सेंट्रल गवर्नमेंट, वो अवार्ड ये सैदाबाद इंस्पेक्टर को दे देना मेरी तरफ से, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, तो अब आप सुन के हंसना नहीं, मैं बोला तो ये बेचारा कौन सा मुकाम बता रहा जलसा करने का, सैदाबाद म्युनिसिपल डिवीजन में मेरे को एक मुकाम बता रहे हैं आप यहाँ जलसा करो, मैं अकबरबाग कैंडिडेट हूँ भाई, और जलसा करने की पुलिस मेरे को परमिशन क्या बता रही सैदाबाद में, जाके सैदाबाद में एमपीटी का कैंडिडेट नहीं है वहां, मैं वहां जाके जलसा करूं, बोला वाह साहब क्या कानून है आपका,
फिर बिचारे वो एसीपी को बात करा, डीसीपी सर इस जोन को बात करा, साहब ये कौन सा कानून है? मैं बोला अगर परमिशन नहीं देंगे मैं नाके पर धरना दूंगा, गिरफ्तार कर लो, अंदर डाल दो, मैं आज विड्रा हो जाता हूँ। मैं ये पुलिस के जुलम से मैं आज बहसियत अकबरबाग कैंडिडेट में विड्रा हो रहा हूँ। फिर वो बेचारा फिर एसीपी आया, आके एक मुकाम आइडेंटिफाई करके वहाँ जलसे की इजाजत दिए। जब वहाँ जलसा हो, तीसरा जलसा हम कर रहे हैं अकबरबाग चौरस्ते से ऊपर उठा के कोई अपार्टमेंट है वो अपार्टमेंट में हम जलसा कर रहे हैं। 10 दिन पहले मैं अप्लाई करा रहा हूँ, मेरे को परमिशन मिल गया। जुम्मे का दिन मेरे को अच्छा याद है, अचानक मेरे को लोग आके बोले साहब आपको जलसे की जगह को तब्दील करो बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब सैदाबाद। अरे मैं बोला फिर आ गया ये कमीना, मैं गया वहाँ जाके मालूम करा क्या किस्सा है, यहाँ कहीं भी है चुप चुप। मैं बोला बोला ये बच्चा रो रहा है, इसके मुँह में निप्पल देना जरूरी है, बहुत रो रहा है, चुप तंग कर रहा मेरे मुँह ने। मैं गया जाके मालूम करा तो बोले नहीं यहाँ पर TRS वालों का जलसा हो रहा है अकबरबाग चौरस्ते पे। बोला अप्लीकेशन लाओ बताओ कौन पहले अप्लाई करा। नहीं दोनों की आवाज़ की लाइश होंगे, दोनों के लोगों की लाइश होंगे, आपके जलसे में ज्यादा लोग आ जाएंगे, TRS के जलसे में कम लोग रहेंगे तो हमारे ऊपर आएंगी बात के TRS का जलसा हुकूमत का जलसा फेल हो गया, MPT का जलसा कामयाब हो गया। देखिए क्या जहनियत है कमीने की, TRS के जलसे में कम पब्लिक आई तो इसकी बेइज्जती हो जाती है, पुलिस वालों की बेइज्जती। ठीक है जगह तब्दील करके कहाँ की ले जाके गली में डालने का, अल्लाह के फजल से इतनी पब्लिक आई वहाँ पर, इतनी पब्लिक आई पूछो मत। अकबरबाग की मेरी जो हार हुई ये भी सिर्फ और सिर्फ TRS की वजह से हुई। 3-8 दिन पहले TRS के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हरीश राव साहब और आपके KT रामा राव और आपकी कविता मैडम ये पूरे जने मुस्लिम महिलाओं में फिर रही, गैर मुस्लिम एरियों में नहीं, मुस्लिम एरियो में फिर के ये बोल रही कि हम वजीफा दे देंगे, हम फ्लैट दे देंगे, हम वो दे देंगे, हम ये दे देंगे। और ये मजलिस वाले निकल के क्या बोल रहे हैं कि दोनों लड़े तो तीसरा आ जा, TRS आ जाती साहब, देखो दोनों लड़े TRS आ जाती साहब, दोनों लड़े TRS आ जाती साहब। ठीक है दोनों लड़े तो TRS आ जाती। आखिर में मुसलमान कंफ्यूज हो गए, अकबरबाग का मुसलमान कंफ्यूज हो गए, पूरा वन साइडेड रोड। अब वहाँ पर जो फोकसिंग हुई साहब यकीन है मानिए, वहाँ पर एक छोटी मिसाल देता हूँ मैं, वहाँ पर एक अकबरबाग में अकबर टावर खुल के है, वो कोई मेरे दूर के रिश्तेदारों का है, उनके वोट है, वो अकबर टावर में 200 वोट है, इतने हैं 200 वोट। तो 2-3 बार वो लोग बुला के मेरे को वो टावर्स में मीटिंग ली और पूरे 200 में से 150 वोट मेरे को मिलने वाले। स्टैंड ही गर्ल्स हाई स्कूल में उनका ग्रुप बनता। मैं जब सुबह में गया तो वहाँ पर से खवातीन अंदर से निकलते हुए बोले कि बाबा मेरा वोट उनकी डाल दिए। मैं परेशान हो गया, ऐसा कैसा डाल दिया, गलती हुई उनकी समझा। फिर बात है मैं 11 बजे गया तो वहाँ और 3 औरतें वो अकबर टावर्स की औरतें ठहरे हुए बोले कि हमारा वोट डाल दिए। यानी किस कदर प्लानिंग करके देखिए, जो नोटेड वोटर्स थे मेरे सुबह में बाहर से औरतों को लाया, इसकी हिम्मत है बोलो कौन पूछता नकाब उठा के बताओ, कोई भी पोलिंग एजेंट नहीं पूछता नकाब उठा के बताओ। बोलिए वो खवातीन जा रही, ये लोग अकबरबाग ने क्या किए कि जितने घर खाली हो गए और जितने नोटेड आइडेंटिफाइड एरियाज मेरे जो घर थे कि छोटा एरिया है उन लोग आइडेंटिफाई कर लिए थे, ने 2-3 औरत के घर पे डाला तो इसको वोट मिलता है यहाँ पर, तो उनके आईडी कार्ड्स निकाल लिए खवातीन के ई सेवा से जाके, जो इलेक्शन आइडेंटिटी कार्ड होते हैं वो टिक करके तकरीबन 1000 आइडेंटिटी कार्ड निकाल के वो 1000 वोट ये लोग क्या किए कि स्टैंडी गर्ल्स हाई स्कूल में 200-300 वोट, DAP स्कूल में 200-300 वोट, बाकरबाग कॉलोनी के 200-300 वोट, वो जो घर यहाँ पर मौजूद नहीं है बाहर है। मेरे पास आज सबूत है कि कई लोग बाहर है जिनका वोट कास्ट हुआ बाहर है सऊदी में। अभी मेरे को दमाम से एक मैसेज आया कि मैं और मेरी फैमिली बाहर है, मेरे को मालूम हुआ कि मेरा वोट PMI वाले डालिए, मैं आपके अगर आप कोई इलेक्शन पिटीशन डाले तो मैं उसके ऊपर बयान देने के लिए तैयार हूँ कोर्ट में आके, मेरे पासपोर्ट की कापी मेरे टिकट की कापी मैं आपको भेजता हूँ। तो वहाँ पर ऐसा नंजाना चला इलेक्शन कमीशन का, कोई कानून नहीं कुछ नहीं, जहाँ मैं 50 औरतों को डालिए। 5 बजने के करीब में मेरे को एक इतला, 4 बजे मेरे को इतला मिली, मैं अकबरबाग चौरस्ते पे था, ये हमारा एडिशनल DCP ईस्ट जोन, मेरी गाड़ी को 6 बार चेक करा साहब, कम से कम 6 बार चेक करा। और चुके तो भी मेरे पीछे जो शैडो पार्टी डाले, मेरे पीछे जो SP वाले थे, कि उनका काम क्या है कि अगर कोई सीनियर ऑफिसर गलतफहमी का शिकार है तो उन्हें बोलना ना, ये मेरे पीछे जो शैडो पार्टी का इंस्पेक्टर डाले उन्हें अपने DCP को तेलुगु में बोल रहा साहब इन्हें और इसका भाई मॉब लेके फिर रहे, क्या बोल रहा मॉब लेके फिर रहे। तो DC में उन्हें समझा मेरे को तेलुगु नहीं आती, मैं फौरी पकड़ लिया, मैंने क्या बोल रहा है रे कभी ने DCP को बोला क्या बोल रहा मॉब लेके फिर रहा, रिवाइंड करो पूरा कैमरा आपका, 10 कैमरे मेरे पीछे लगाया,
पूरा कैमरा रिमाइंड करो, रिमाइंड करके चेक करो, आप मेरे पीछे एक गाड़ी है क्या? देखो मैं बहसियत कैंडिडेट, मेरे को इजाजत है एक आदमी को मैं गाड़ी में बिठा सकता हूँ, मैं उसको भी नहीं बिठाया गाड़ी में। तो खैर उन्हें बाद में समझ गया कि इसको तेलुगु आ रही बोल के, बोला कैसा झूठ बोला, तू मेरे पीछे शैडो पार्टी है, तू मेरे को सिक्योरिटी देना, तू मेरे को कवर करना, और तू खुद झूठ बोलना, इन्हें खुद झूठ बोलना था कि वो शैडो पार्टी का इंस्पेक्टर। 4 बजे के करीब में मेरे को एक इतला मिली कि मुमताज कॉलेज के बाजू जो आगरा कॉलोनी में पोलिंग बूथ है उसके अंदर 6 ऑटो आए गए है, नए चिकने बुरखे थे, मैं जाके देखा नए बिल्कुल न्यू बुरखे, और ऐसा पैर पे देखा तो क्या उसके पैर में कड़ा है, कोई मुस्लिम औरत तो पैर में कड़ा नहीं पहनती, और हाथ पे कोई उसके ऊ नहीं लिखा हुआ रखा मुस्लिम औरत के। कम से कम 6 ऑटो में मेरे सामने बुरखे पहन के पूरे उतरे, गोदों में बच्चे भी है, यानी प्रोफेशनल बोकसिंग करने वाले है वो। सर मैं गया, मैं काम ही देखा, वहाँ जाके मैं अंदर हमारे बच्चों को अलर्ट करा के ये 6 बुरखे आए गए हैं, आइडेंटिटी कार्ड चेक करो आप लोग, और आइडेंटिटी कार्ड चेक करके अंदर छोड़ना। वहां पर जैसा ही मेरे को देखे वो लोग, एक चदरा घाट में एक बैंक का वर्कर वो 6 ऑटो लेके आया था, वो 6 ऑटो जब लेके आया उन्हें मेरे को जैसा वहां देखा उन्हें भाग्या, सबसे पहले अरे इन्हें पकड़ के मारता वो। अब वो औरत बेभरे हो गए, तेलुगु में बात कर ले रहे गुरुशन में होता, अरे अपने को लाया तो वाला कहाँ चले गया, पैसे भी नहीं दिया, यहाँ वोट डालो बोल रहा, ये इतनी पुलिस है हमको अंदर जाने देती कि नहीं थी। मैं ACP मलकपेट को फोन करा, बेचारे उन्होंने आए वहाँ पर आके उन्होंने क्या करे पुलिस वालों को लेके आइडेंटिटी कार्ड चेक करो फिर होंगे। अब उतने ना आइडेंटिटी कार्ड है ना कुछ, खाली एक इतनी स्लिप ला लिए MLA को कोई फोन करके बोलेंगे अब्दुल्ला खान यहाँ पर आया, आने के बाद ये वोकल सिंह हमारी उठाया। 4 बजे डिप्टी चीफ मिनिस्टर के घर पे हमला हुआ, 4 बजे डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बेटे को, मेरे पास वीडियो है कि एक MLA को MP को गनमैन कई बजे थे बोल दिया, वो MLA को प्रोटेक्ट करने MLA में कोई हमला करे, ये जो अहमद बलाला का गनमैन है जानी, मेरे पास वीडियो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बेटे को माँ की गाली देके मार रहा, उन्हें गनमैन मार रहा साहब उसको, यानी डिप्टी चीफ मिनिस्टर शर्मिंदा बेचारे ऊपर से झांक रहे, वो ऐसा बाप है बेचारा बेटे की फुटरी को नीचे नहीं उतरो, मजाक नहीं कर रहा, वो भी वीडियो है, ऊपर से देख रही बेटे की नीचे फुटरी, और बेटा बोल रहा वीडियो में क्या बोल रहा, साहब मैं कोई गलती करा तो, बलाला साहब आप मेरे बड़े भाई है, मैं गलती करा तो 2 पचकड़ा मारो, उन्हें बोला 2 ले 4 बोल के 4 दे दिया। डिप्टी चीफ अहमद बलाला का गनमैन जानी, मेरे खाने वीडियो अगर कोई देखना चाहता तो देखो, मैं आज में उसको फेसबुक पे डाल रहा हूँ, माँ की गाली दे रहा हूँ, माँ की गाली दे के डिप्टी CM के बेटे को गर्दन में हाथ देके जब मार के ऊपर उसकी रिवाल्वर लगी दी है, ऐसा रिवाल्वर निकाल के और मुठ से मार रहा हूँ जाके। तो ये जानी का क्या किस्सा है समझ में नहीं आ रहा मेरे को, यानी उम्र क्या होता, हर MLA MP करें गनमैनों की ड्यूटी बदलते रहे, ये जानी की आज 5 साल से ये बलाला करने से ड्यूटी बदल रही इसने उसकी, ये जानी उसका गनमैन, जानी उसका जान कैसा बोल गया, इब्राहिम याफाई को गोली मारने वाला यही जानी, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बेटे को माँ की गाली दे रहा साहब, और इससे ज्यादा क्या कानून होना बोल गया, कानून का यानी क्या बोलूं मैं आपको, रेप कर दे रहे ये लोगों ने मानो ने, नहीं मजाक नहीं है। बलाउद्दीन ओवैसी साहब अक्सर बोलते थे कि सियासत मेरे घर की लोटी है, यहाँ असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं कानून मेरे घर की रखेले बोल रहे हैं, कोई भी हुकूमत रहो मैं जैसा चाहे वैसा नाचना, पुलिस वालों का ईमान खरीद लेता हूँ मैं, चाहे वो DCP रहो ACP रहो, कुत्ते के सामने हड्डी डालता हूँ खरीद लेता हूँ फिर नचाता हूँ उसको, मैं जैसा बोले वैसा सुनना। ये असदुद्दीन ओवैसी का आज का कोट है कि कानून मेरे घर की रखेले बोल रहा हूँ बैठो साहब। तो उस दिन क्या हुआ, अचानक 4 बजे ने हमला करा, 4 बजे हमला करने के बाद में मेरे साथ झगड़ा हुआ 5 बजे, 1 घंटे तक, अब मैं उसका रूट बता रहा हूँ सुनिए, अहमद बलाला डिप्टी CM के घर पे हमला करने के बाद में मैं कम से कम 50 मैसेज करा कमिश्नर ऑफ पुलिस, DCP ईस्ट जोन, ACP सुल्तान बाजार, चदरघाट इंस्पेक्टर, जॉइंट CP स्पेशल ब्रांच, पूरों को SMS करा, एडिशनल DCP स्पेशल ब्रांच, पूरों को SMS करा कि भाई ये इन्हें माल लेके घूम रहा है, ऐसा हमला हो रहा, ये ऐसा यहाँ भूपेंद्र सिंह के लिए आए हुए हैं बोल के। तो इन्हें हमला करके अहमद बलाला कट्टरपुरे में जाके घर में बैठा है, एक घर में बैठ के वहां पर एक बूथ कैप्चरिंग का पूरा प्रोग्राम डाले, फिर वहां से निकल के फरहत नगर आया है, हमारे मुजफ्फर में मेरे को फोन करे भाई अहमद बलाला के साथ 50-60 गाड़ी है, दबीरपुरा इंस्पेक्टर को फोन करा, मैं बोला 50-60 आदमियों के साथ में फिर उसको इमीडिएट गिरफ्तार करो,
बोला फोन पे नहीं, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने वहां से निकल के कटक फरत नगर से अंदर टबीलपुरे से वार्ड ऑफिस से आजमपुरे से नई रोड पे आया, नई रोड पे वहां पर बच्चे मौजूद देख के भाग गया। बहादुर था तो रुकना था ना बेटे, नई रोड पे बताते थे बच्चे तेरे 60 मेरे 10 बराबर थे, तेरे 60 मेरे 10 टिक्का बोटी कर देते थे। टिक्का बोटी देखे वो कैसा शिव कबाबों में पिराते हुए सब पिराके डाल देते थे। वहां से फटारा गाड़ी जैसा चिच्चनगुड़ा आया भगा भगा के जबीरपुरा ब्रिज से, उसकी रोड बता रहा हूँ मैं आपको, कितने सीसीटीवी कैमरों में आया हूँ मालूम आपको, कम से कम 30 या 35 सीसीटीवी कैमरों में आया हूँ। डीसीपी इस दिन आज मैं बात किया तो बोल रहे थे कि वी हैव रिकॉर्डेड एवरीथिंग, आपका जो आपके ऊपर अटैक का जो FIR है उसके अंदर हम बलाला को और 30 आदमी को गिरफ्तार करने वाले, पूरा सीसीटीवी कैमरे में आ गया। अब बोल रहे हैं बेचारे अमल करते नहीं करते, उनका ईमान उनका दर्द, अगर डीसीपी इस दिन नहीं करे तो मैं अदालत का दरवाजा खटखटाऊं, 2 दिन इंतजार करता हूँ, हाईकोर्ट में रिट डाल देता हूँ, डाल के पूरों को बुलाता हूँ, कमिश्नर DCP अडिशनल DCP ACP पूरे लाइन लगा के आना, फिर आके बैठना वहां पर, मैं भी कोई कानून बैठने वाला नहीं, खाली ये कानूनी कार्रवाई नहीं, दूसरा भी इलाज है मेरे कहने टिट फॉर टैट, मैं भी पठान का बच्चा हूँ, जिस दिन भी आमना सामना होगा रे सूदखोर सुन, तेरा बाप सूदखोर, तेरा दादा सूदखोर, खानदानी सूदखोर तू, और एक सूदखोर एक ईमानदार आदमी से मुजाहिद से नहीं लड़ सकता, पठान बच्चे से नहीं लड़ सकता। 50-60 आए भाई, मैं हमारे जमील चीचा यहाँ मौजूद है सामने ठहरे हुए, उनसे पूछ सकते, मैं उन्हें गुफ्तगु कर देते ठहरे हुए, पीछे से मेरे को कैसा एक वेला आते हुए दिखा, हाथ में लकड़ियां हैं, हाकी स्टिका, राडा, नलके पैपा, छोटे जब्बिये हाथों में पूरे खुला वाला वेला, उन्हें पूरा रूट फिर रहा, पूरी पुलिस खामोश बैठी है, पूरी पुलिस कानून बैठी है, पूरा स्पेशल ब्रांच डिपार्टमेंट कानून, पूरे इंटेलिजेंस वाले कानून, खाली मकबेरी करना हमारे बारे में चाहता, अमजदुल्ला खान क्या कर रहा वही मकबेरी करना इनका काम है। जब ने आया आते सो आते मेरे को ऐसा कुछ फील हुआ कि कोई लोग मेरे पे हमला करने वाले, मैं देखा अब अपन भी कानून बैठने वाले नहीं है, जो हुआ ये बेचारे गिर गए मोटरसाइकिल पे से, मेरे को मारने आके हौंदे में गिर गया, दोनों घुटने फूटे हुए गुड्डू के, चलने नहीं आ रहा, इस वक्त कहीं दिख रहा नहीं देखा, कोई जुलूस में नहीं आ रहा, कहीं नहीं आ रहा, 400 शुगर की करे बिचारा, मेरे को इंस्पेक्टर मदक पे बोला जब इसको हम गिरफ्तार करके ले जाके टेस्ट कराए तो इसकी 400 शुगर की बोली। अरे 50-60 आदमी मई मेरे पे हमला करने आए, फिर भागे नहीं तुरंत बोला, पूरे भागे निकल के, यू कहीं हमला करे ऐसा करे निकल के भागे पूरे, मैं कंप्लेंट दर्ज करा, उसके ऊपर एक 307 केस बुक हुआ मेरे भाई। अब आप ये अलग और एक स्टोरी है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के घर पे हमला हुआ, पहले तो डिप्टी सीएम के बेटे क्या करें बहुत सख्त बयान दिए, हम वैसा करेंगे, हुकूमत है डिप्टी सीएम है उनके घर पे हमला करे, आधे घंटे के बाद में डिप्टी सीएम साहब बयान दिए, क्या उनके बयान दिए, माफ करने वालों के साथ अल्लाह है। अरे मतलब पूरी हो जाए, ऊपर से आया टेलीफोन, अपन अपन दोस्ता है TRS से, मैं दोस्त गारू नाराज ये नहीं करना ऐसे बात, तो बच्चा नारा नहीं करा उन्हें मारा, दोनों को मैं मिला देता हूँ बोल के कोई फोन करे इनको डिप्टी सीएम। मेरे पास और एक सबूत है साहब, देखिए आप चतरघाट पुलिस स्टेशन पे डिप्टी सीएम के घर पे जब हमला हुआ 307 केस बुक हुआ, पहला FIR की कॉपी भी रकम होगी, 2 घंटे के बाद में नया FIR इश्यू हुआ, सेक्शन चेंज हो गए, क्या सेक्शन चेंज हो गए, बेरेबल ऑफेंसेस, यू मारो यू जाओ यू आओ, मारो यू जाओ यू आओ। अरे DCP साहब ये कैसा सेक्शन लगाई थी तुम, सुबह में बच्चे को गिरफ्तार कर रहे हो बेचारे काशिफ।